अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके DLED BTC चतुर्थ सेमेस्टर अंग्रेजी। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके मॉडल पेपर नंबर 3 की। तो दोस्तों और हम बात करेंगे आपका पेपर का डर खत्म करें। जी हां दोस्तों, इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके आपका जो पेपर का डर है कि यार इंग्लिश में बैक काफी बच्चों की आ जाती है, तो उसको आपको खत्म करना है। और दोस्तों आपको पता होगा कि 25 में थे आपको कम से कम 12 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। तो दोस्तों आप अपने आप को मार्किंग भी करते रहें। तो दोस्तों जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इंग्लिश में 25 की 25 तैयारी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे भी हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से दोस्तों, जो आपके पेपर में 5 अंकों के पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में 5 क्वेश्चन इसको सही कर ले जाते तो आप 99% आपके पेपर में पास होने की संभावना हो जाती है। तो पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं बहुविकल्पी का, कि सबॉर्डिनेट क्लासेस आर क्या होता है। दोस्तों एडजेक्टिव क्लास होता है कि एडवर्ब क्लासेस होता है कि नाउन क्लासेस होता है या आलापदीस। तो दोस्तों इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा यहाँ पर आलापदीस। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए जो आपके पेपर में आ सकता है, अगर आपने इस क्वेश्चन को सही किया तो दोस्तों आप अपने लिए 1 नंबर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न रहा, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, राधा वाज ग्रेटफुल टू हर टीचर फॉर दियर काइंड हेल्प। तो दोस्तों आपको बताने कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, समझ गए होंगे सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल था, बोलेंगे राधा हो। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे लिए क्या है, एडवर्ब क्लासेस आर क्या होता है दोस्तों, टाइम प्लेस पर्पस या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दिस। फिर अगला प्रश्न दोस्तों हमारे लिए क्या है, कि फाइंड द नाउन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, द बॉय इज जंपिंग, आपको क्या बताना है यहाँ पर, नाउन बताना है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा द बॉय नहीं होगा, सिर्फ बॉय होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे लिए क्या रहा, हाउ मेनी नाउन इन फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, आगरा लाइज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। तो दोस्तों आपको बताना है कि हाउ मेनी नाउन, कितने नाउन्स हैं यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितने नाउन है आपके, टोटल 3 नाउन है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ठीक है, अगर आप जिन बच्चों ने पहले 5 प्रश्नों के ठीक है सही जवाब दिए तो वो कमेंट कर सकते हैं कि 5 में से 5 सही होने का मतलब दोस्तों आप पेपर में पास होने के प्रबल दावेदार हो चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कैसे आएंगे, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे या आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। कैसा बन सकता है, कि राइट द मीनिंग टू कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, द मीनिंग ऑफ कमांड इज ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट इज आस्क रिस्पेक्टफुली। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय टेंस, टेंस से दोस्तों आप क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है। देखिए, एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब व्हिच मे बी यूज्ड टू शो, क्या क्या शो करता है दोस्तों, द टाइम ऑफ एन एक्शन या दोस्तों अ स्टेट और इवेंट कैन बी कॉल्ड अ टेंस। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, व्हिच द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों बताएंगे हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है आपका भूतकाल में, तो दोस्तों कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, सबको पता है, दूसरी अवस्था या सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अगला प्रश्न अब देखा जाए, विच फॉर्म ऑफ वर्ब यूज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हम कौन सी अवस्था यूज करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म या तीसरी अवस्था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे लिए क्या है, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। अब दोस्तों आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बतानी यहाँ पर क्या होगा। तो डेफिनेशन दोस्तों देखते हैं, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड अ नाउन आर अ प्रोनाउन द सो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन आर प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, ये होगी डेफिनेशन। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, देखिए प्रीपोजिशन आर ऑफ 5 डिफरेंट काइंड्स। पहला सिंपल प्रीपोजिशन दोस्तों, जैसे इन, ऑफ, ऑन, ऑफ, टू, अप, विद, एट, बाय, फॉर, इटीसी। फिर दोस्तों बारी आती है आपकी कंपाउंड प्रीपोजिशन, विदाउट, विद इन, आउटसाइड, इनसाइड, इनटू, बिहाइंड, बिसाइड्स, बीनीथ, बिलो, अक्रॉस, बिटवीन। अगला है दोस्तों आपका डबल प्रीपोजिशन, जैसे आपका आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, फ्रॉम आउट, फ्रॉम बिहाइंड या फ्रॉम बीनीथ। ठीक है, अगला होता है दोस्तों
पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, तो दोस्तों जैसे आपका हो जाएगा नॉट विथ स्टैंडिंग कंसर्निंग पेंडिंग कंसिडरिंग दे आर पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यूज्ड एज प्रीपोजिशन। और दोस्तों लास्ट में हो जाएगा हमारा फ्रेजेस प्रीपोजिशन, फ्रेज में क्या हो जाएगा बाय मींस ऑफ या बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट इन अपोजिशन टू विथ रिगार्ड टू फॉर द सेक ऑफ इनस्टेड ऑफ ऑन बिहाल्फ ऑफ विद अ व्यू टू इन द इवेंट ऑफ। ठीक है दोस्तों इतने हो जाएंगे। तो अब दोस्तों बारी आती है हमारे लघु त्रि प्रश्नों की, जो आपके पेपर में दो नंबर के आते हैं जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अगर आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिया तो समझ लीजिए इंग्लिश में पास होने के प्रबल दावेदार आप हो जाएंगे। ठीक है तो 11 नंबर के दोस्तों अब तक हमारे प्रश्न हो चुके हैं, जिन बच्चों ने 11 नंबर में से 11 नंबर लाया तो वो ढेर सारे बधाई के पात्र। तो दोस्तों चलिए देखते हैं दो नंबर वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है तो पहला क्वेश्चन दोस्तों व्हेन द सन सेट वी रिटर्न्ड होम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बदलना है हमें कंपाउंड में, तो दोस्तों इसका आंसर होगा द सन सेट एंड वी रिटर्न्ड होम। ठीक है पहला हो गया। दूसरा आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस एज आई एम इल, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा आई एम इल सो आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस। तीसरा प्रश्न दोस्तों हमारा इफ यू सर्च हिज हाउस यू विल फाइंड द मनी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर्च हिज हाउस एंड यू विल फाइंड द मनी। अगला प्रश्न दोस्तों इफ ही इज एट होम आई शैल सी हिम, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं कंपाउंड में ही मे बी एट होम एंड इन दैट केस आई शैल सी हिम। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही लॉस्ट मोर देन ही कुड अफोर्ड, दोस्तों इसको हम आंसर कर सकते हैं कि ही कुड अफोर्ड टू लूज समथिंग बट ही लॉस्ट सम व्हाट मोर। ठीक है तो यहाँ से दोस्तों आपके दो नंबर प्राप्त हो जाएंगे अगर आपने इतने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने बन सकता है पेपर में कि कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है हमें क्या करना है जो आपके कंपाउंड सेंटेंस है उसको हम बदलेंगे कॉम्प्लेक्स में, तो इसका उल्टा भी तो आ सकता है ना पेपर में। तो पहला दोस्तों स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर, ठीक है डरने की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हरी रैन टू द स्टेशन बट ही मिस्ड द ट्रेन, तो दोस्तों देखिए ऑल्दो हरी रैन टू द स्टेशन ही मिस्ड द ट्रेन। तीसरा प्रश्न दोस्तों ही इज वीक देयरफॉर ही कैन नॉट वॉक, ठीक है वॉक यहाँ पर, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ही कैन नॉट वॉक एज ही इज वीक। ठीक है दोस्तों उसके बाद चौथा प्रश्न है आपका सोहन इज अ रिच मैन बट ही इज नॉट ऑनेस्ट, अमीर तो है लेकिन वो ईमानदार नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोहन इज नॉट ऑनेस्ट ऑल्दो ही इज अ रिच मैन। अब दोस्तों लास्ट प्रश्न क्या रहा है इसका क्वेश्चन कि लर्न योर लेसन एंड यू विल पास। ठीक है दोस्तों कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स में बदल लें, इफ यू लर्न योर लेसन यू विल पास। ठीक है इतने क्वेश्चन हो गए हमारे, इसके भी दोस्तों आपको दो अंक मिल जाएंगे अगर आपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने कि टर्न द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से दोस्तों अब आपको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। पहला प्रश्न क्या है ही सेड टू मी वेट हियर टिल आई रिटर्न, ठीक उसने मुझसे कहा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ही एडवाइज्ड मी टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों द फादर सेड टू द डॉटर पुट दैट बुक बैक ऑन द टेबल व्हेन यू हैव फिनिश्ड विथ इट, दोस्तों इसमें चेंज क्या होगा यू को भी हम चेंज करेंगे इसको ध्यान में रखना है थोड़ा। द फादर ऑर्डर्ड द डॉटर, ठीक है भाई पिता है तो बच्चों को अपना क्या आदेश देंगे टू पुट दैट बुक ऑन द टेबल व्हेन सी हैड फिनिश्ड विथ इट। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका सी चेंज हुआ ना, यू था यहाँ पर आ गया सी, यहाँ दोस्तों हैज हैव का क्या हो गया हैड हो गया, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना होता है कि छोटी छोटी गलतियां आपसे हो जाती है। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका श्याम चंद सेड टू अस डू नॉट डिसाइड टू हास्टिली, ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्याम चंद एडवाइज्ड अस नॉट टू डिसाइड फॉर हियसली। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है सनी सेड टू मी ऑफ विथ यू टू स्कूल, तो दोस्तों सनी एडवाइज्ड मी टू ऑफ विथ मी टू स्कूल। अगला प्रश्न दोस्तों मोहन सेड टू रवि प्लीज बी क्वाइट, तो इसका आंसर होगा मोहन रिक्वेस्टेड रवि टू बी क्वाइट, ठीक है। पीटर सेड टू अस डू नॉट टॉक नॉनसेंस, तो दोस्तों पीटर फॉरबिड अस टू टॉक नॉनसेंस।
अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आ सकते हैं पेपर में, इसको देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है दोस्तों, तो पहला है सी, यहाँ दोस्तों वेट है इसको सही हमें बनना भाई। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा यूज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस में होगा वही हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो सी वेट फॉर यू फॉर 3 hours, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा विल हैव बीन वेटिंग। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर खाली वेट का वेटिंग नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पूरा विल हैव बीन वेटिंग, क्योंकि हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग करना है। दूसरा क्वेश्चन, आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 hours, तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आई के साथ दोस्तों आपका लगता है शैल, तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग। तीसरा प्रश्न दोस्तों, ही के साथ लगेगा विल, ही विल हैव बीन ड्रिंकिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं द टीचर, फिर यहाँ विल हैव बीन स्पीकिंग हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है चौथा में। और पांचवा दोस्तों, यू के साथ भी लिखेगा विल हैव बीन ही लगता है। ठीक है, आई और वी के साथ यहाँ पर सेल लगेगा, किसके किसके साथ, आई के साथ और वी के साथ सेल, इसके साथ हम सेल का यूज करेंगे और बाकी के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। ठीक है, लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा हमारा, यू विल हैव बीन लर्निंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी दोस्तों ध्यान रखना है, जो ये लाइन लिखी ना छोटे से ब्रैकेट के अंदर, यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका यूज करके हम कर सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या रहा, माई मदर अराइव हियर ओनली लास्ट नाइट, तो दोस्तों हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो दोस्तों यहाँ पर हमें हर बार देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें एक चीज का यूज करना ही करना होता है, जिसका नाम है आपका हैड बीन। ठीक है, अब कंटिन्यूअस टेंस से दोस्तों, तो ये जो अराइव है यहाँ पर हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो दोस्तों समझ गए होंगे माई मदर हैड बीन अराइविंग हियर ओनली लास्ट नाइट। दूसरा हो जाएगा द टैक्सी ड्राइवर हैड बीन, ठीक है, एग्रीइंग एंड ये सब दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा द डॉक्टर हैड बीन अराइविंग बिफोर आई कम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आई हैड बीन वॉशिंग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सी नेवर हैड बीन सीइंग सच अ हॉरिबल साइट बिफोर, तो दोस्तों आप देख रहे हैं हैड बीन लग गया सबके साथ खाली। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या है, इसको देखते हैं, तो दोस्तों इसमें हमें क्या यूज करना है, अगले क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर साफ साफ यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो दोस्तों वही फिर से हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करना है, तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लिखा सी वाज श्योर डेट सी, दोस्तों यहाँ पर सी लिखा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो एक तो बात समझ में आ गई कि हम एक चीज यूज तो करने वाले हैं, कि क्या यूज करेंगे दोस्तों हम हर बार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, हैड और बीन, तो दोस्तों आपका हैड बीन आ जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एस डबल ई आई एन जी, तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे सी हैड बीन सीइंग पूरा। फिर दोस्तों ही हैड बीन लोडिंग, दोस्तों यहाँ पर लोड है ना, ही हैड बीन लोडिंग हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, द डे बीइंग वेरी हॉट वी हैड बीन कीपिंग, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, ही वॉन्टेड वाई आई, यहाँ दोस्तों हो जाएगा आपका आई हैड नॉट बीन, ठीक है, आई हैड नॉट बीन इनवाइटिंग हिम, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आई हो जाएगा, आई के साथ आएगा हैड बीन, ठीक है, आई हैड बीन, फिर दोस्तों लिखेंगे इंजॉइंग, और उसके बाद दोस्तों जो लिखा है साउंड स्लीप ये सब उसे उतार देंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है, कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सिलेक्टिंग सुटेबल प्रीपोजिशन, अब दोस्तों आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन सिलेक्ट करना है, ठीक है, सुटेबल जो भी सूट करेगा। माई होम इज नागपुर, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन होगा कि एट होगा, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला माई होम इज एट नागपुर। दूसरा क्वेश्चन, आई रैन द बस, आई रैन आफ्टर बस ना, पीछे भागेंगे ना दोस्तों आप बस के। अगला क्वेश्चन, द बॉय हैज कम बैक द स्कूल, क्या होगा दोस्तों, द बॉय हैज कम बैक फ्रॉम, द बॉय हैज कम बैक फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अ फैन हंग माई हेड, दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका ओवर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द बॉल लाइज, क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपल था, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। नमन कम्स मी एवरी डे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, नमन कम्स टू मी एवरी डे। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सी जम्प्ड द रिवर, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू, सी जम्प्ड इनटू द रिवर। तो दोस्तों आज के इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आपके सामने हमने रखे, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अगर आपको ये सब बेसिक चीजें पता चल जाए
तो दोस्तों हमने जैसा कि कल आपको कहा भी था कि अगले वीडियो में हम ग्रामर पोर्शन अच्छे से कवर करेंगे, तो दोस्तों आज हमने किया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अगर आपने आज 25 में 25 ये दोस्तों पूरा क्वेश्चन आपको जो लास्ट में देख रहे हैं दो नंबर का था, ये भी प्रश्न आपका दोस्तों यहाँ पर दो नंबर का था, दो दो चार नंबर हो गए, फिर दोस्तों दो दो छह नंबर हो गए, ऐसे दोस्तों हर क्वेश्चन दो नंबर का था, दो चौके आठ, ठीक है, दो पंजे दस, दो छंग बारह और दो सत्ते 14, ठीक है दोस्तों। तो 14 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और बाकी के क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय रहते हैं। तो दोस्तों जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया होगा 25 में से 12 प्लस भी अगर आपने दोस्तों लिया है ना, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है आगे, और आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन दोस्तों होता है ना 12 नंबर लाने भी बड़ी बात होती है। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और पढ़ाई करते रहिए। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर ना देखा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद पिछले मॉडल पेपर जरूर देखें।